तो आज हम एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रोजेक्ट है हमारा स्कूल की ग्रेडिंग, राइट। तो जैसे कि आपका ये सबसे पहला दिख रहा डेटाबेस है, तो इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ, दिख रहा है आपको सर? कॉम्प्लिकेटेड क्या कर दिया है कि जैसे कि आप इसी की बात करें, डेटा की बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो डेटा से शुरू होता है क्या, तो डेटा में सबसे पहले आपको जो है ये जो बना हुआ है इसी को रेफरेंस में लेके, सेम टू सेम तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि सेम टू सेम बनाने पर नकल हो जाएगी, बट हम अपना हिसाब से बनाएंगे सर, अपने हिसाब से बनाएंगे। आपने जो आपका देख रहा हूँ कि आपने इस फाइल में कुछ नहीं किया है, इसमें ये कोई मान्य नहीं है। हाँ सर, बात समझिए आप सभी को क्या करना है। सबसे पहले हम अच्छा आपको सिर्फ इस पे चाहिए ना, अपने ग्रेडिंग के लिए चाहिए ना? हाँ सर, ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग से डाटा कैसा लेना, एक क्लास वाइज में मार्कशीट, क्लास का डेटा मार्क्स का ही होगा ना, एक दूसरा बराबर बराबर सर मार्क्स का ठीक है। और उसमें खासियत क्या रहना सर वो, तो मैं पहले डेटा तैयार करते हैं फिर आज खासियत की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है कॉल नंबर, पहले डेटा आपको क्या तैयार करना है, डेटा तैयार करना, और डेटा को डेटा फॉर्मेट में तैयार कीजिए, डेटा के अंदर कुछ तामझाम मत कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें इनके बारे में, इन्होंने डेटा में बहुत सारे मर्ज वर्ज कर रखा है, ठीक है सर? सर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए डेटा में, क्योंकि फिर आगे चल के इस पे एनालिसिस बगैर नहीं होता। अगर एक डेटा एनालिसिस की बात करें तो ये डेटा सही नहीं है, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बाकी जो आठ लोग, आप एक लगा के नौ है, टोटल आठ लोग हमारे साथ अभी कनेक्टेड है, आठों के आठ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि डेटा सही है, डेटा को रखने का सही वे है? अपने पास ऐसा ही रहता, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप ठीक है? ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी, रोबिन जी, भुवन जी, मनीत जी, दीपक जी, क्या डेटा रखने का सही वे है? नहीं सर, नहीं सर, उन्होंने मर्ज किए हुए हैं सेल कॉपी, अगर मैं फॉर्मूलेस लगा तो इसके पीवट प्रोग्राम नहीं लगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं सर, सारी चीजें नहीं लगा पाएंगे ना? जी सर। चलिए, तो ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो डेटा बनाया गया है रजिस्टर, उनके पास जो रजिस्टर होता है ना, वो रजिस्टर को देख के उन्होंने उतार दिया। अब चलिए हम अपने हिसाब से डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा रोल नंबर, देन होगा क्लास, एंड क्लास में आपके सेक्शन भी होते हैं। गंगाधर जी, हाँ सेक्शंस होते हैं सर, होते हैं सर, सेक्शंस का डेटा डाल देते हैं किस सेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे आता है टाइप, कि आपकी जो एग्जाम्स है वो एग्जाम का कौन सा टाइप है, ठीक है ना, जैसे ईयरली, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, या फाइनल है, सर सही रहेगा ना? ओके सर, ये हो गया रोल नंबर, क्लास, सेक्शन and type, then name and father name, admission number भी आना सर उसमें, admission number भी, admission number ना, हाँ admission number रहता, और cast भी रहता बच्चों का cast, वो तो एक मिनट, ये यहाँ पे roll number आ गया, तो roll number is the, हाँ चलो admission number, roll number is admission number, okay, हाँ unique number हो गया, father name and date of birth। कास्ट की बात करें तो मुझे इसमें कास्ट को ऐड करना मोरल रूप से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ग्रेड कार्ड या मार्कशीट नहीं देखा है जिसपे कास्ट मेंशन हो। क्या रहता सर, हमको स्ट्रेंथ पर्टिकुलर्स बनाना रहता ना सर, उसमें कास्ट वाइज स्ट्रेंथ पर्टिकुलर्स, कास्ट वाइज रिजल्ट भी पूछते रहते। ओके चलिए, हम कास्ट वाइज दे देते हैं, लेकिन एज पर मोरल हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने बोल दिया सर। ठीक है सर, क्या सर करना पड़ता ना सर, यहाँ पे कास्ट हो गया। तो डेटा में आपका रोल नंबर, सेक्शन, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कास्ट, ओके क्लियर है? और कुछ तो नहीं होता डेटा में, स्टूडेंट डिटेल इतनी होती है ना? आओ सर, आओ सर, बात करते हैं एग्रीमेंट में, ये आपका, अच्छा जो
मान लीजिए कि किसी ने सब्जेक्ट एग्जाम में नहीं एनरोल तो किया बट उसके एग्जाम की अटेंडेंस नहीं है, उसका भी डेटा डालते हैं? आओ सर, एब्सेंट बोल के डालते हैं ये भी, तो यहाँ पे अटेंडेंस हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। लेकिन अटेंडेंस मंथ वाइज देना पड़ता सर, अटेंडेंस यहाँ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीन सब्जेक्ट में डाला और चौथे में ना हो तो इट मीन जीरो, मतलब कि एब्सेंट रहेगा। नहीं नहीं, अटेंडेंस कैसा रहता सर, मंथ वाइज रहता, जून में वर्किंग डेज कितने और कितने डेज अटेंड, अलग चीज होगी। हम तो यहाँ ग्रेड कार्ड बना रहे हैं ना। ओके ओके सर, ग्रेड कार्ड में अटेंडेंस देना जरूरी है? हाँ, अटेंडेंस के मार्क्स जुड़ते हैं तो अटेंडेंस दे दीजिए। चलिए ठीक, ये अटेंडेंस हो गया। आप नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डाल दीजिए कि 24 दिन आया, 36 दिन आया, ठीक है? राइट, नहीं डालना है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। देन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में मैं सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट टोटल है आपके? 7 सर पूरे। ओके, तो सब्जेक्ट 1 यहाँ पे मार्क्स, सब्जेक्ट 1 की जगह पे आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट नाम डाल दीजिएगा, हिंदी मैथ वगैरह, ठीक है? ओके 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 सर, मैं कर लेता हूँ। ओके, सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे हम दे देते हैं टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो 100 आउट में से 100 क्या बोलेंगे सर, सारे पेपर 100 के तो नहीं होंगे सारे पेपर? नहीं सर, सर पहले देखिए मैं बता देता हूँ, जो पेपर एक सब्जेक्ट लिए तो उसमें 4 फॉर्मेटिंग असेसमेंट्स रहते सर, FA1, FA2, FA3, FA4 बोलते हैं। एक फॉर्मेटिव टेस्ट में बोले तो एक सब्जेक्ट में, एक फॉर्मेटिव टेस्ट में 4 भाग होते सर, 4 इंसेंटिव्स रहते उसमें। तो ये क्या है, फर्स्ट तो बुक रिव्यू बोलते रहता, तो कुछ बुक देते हम उसको रिव्यू करे तो उसको मार्क्स देते, उसको रिव्यू करके वो लिख देते हमारे एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट को 4 भाग कर लेना पड़ता सर। देखो सर, FA1 4 भाग है ना सर, पूरा चीज आ जाना सर वहाँ सब्जेक्ट पे, पूरा चाहते हैं? हाँ पूरा, एक-एक उसमें एक-एक टेस्ट। अच्छा, चार अच्छा, एक सब्जेक्ट आपका यहाँ हो गया। अभी तेलुगु, देखो सर TEL लिखे ना सर, हम ऊपर TEL बोले तो तेलुगु सब्जेक्ट हमारा, तेलुगु ना सर मदर टंग, बाद में हिंदी है। सो तेलुगु में ही FA1 में 4 चीज रहते सर, FA2 में 4 चीज रहते, SA1 में एक ही रहता, FA4 में फिर 4 चीज रहते, FA4 में 4 चीज रहते सर, तो 4-4 में जैसा ऐसा डिवाइड कर लेना पड़ता हमको। लेकिन डेटा में इस तरह से डालना सही नहीं रहेगा, तो इसी तरह से आना सर रिजल्ट, आए तो हम जरा SSC ग्रेडिंग सक्सेस होता, नहीं तो मुश्किल है जरा। उस सिंगल सब्जेक्ट का सिंगल कॉलम लेके करना मुझे आता सर, ऐसा ग्रेडिंग बना लिया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह से करूंगा तो ठीक रहेगा, या फिर मैं इसकी मल्टीपल एंट्री कर दूं, क्योंकि मल्टीपल एंट्री भी आपको टाइप ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं सर, अलग अलग मार्क्स आते सर, सबको एक मार्क्स नहीं आते, हम एक को बात नहीं कर रहा मैं, जैसे मैं ही बोल रहा था, मेरा जैसे मान लीजिए कि हमने एक एंट्री यहाँ पे कर ली, राइट? अच्छा, इसमें जनरल तो हमने डाला ही नहीं, एक एंट्री हमने कर ली, राइट? इसे सब्जेक्ट मान लीजिए तेलुगु हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है आपका पार्ट। तो ये अच्छा, यहाँ पे आपने जैसे कि फैट करके है ना, FA1 फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा FA1 के अंदर सब, चार आना सर सब पार्ट, बाद आपका हेडिंग अपने चेंज कर लीजिएगा, तो इसमें बुक रिव्यू हो गया। BR लिख दीजिए सर बस, बुक BR। इसके बाद यहाँ पे आपका CW लिख दिए सर,
कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिएगा, हम बस यहाँ ओके ओके माई चेंज कर लेंगे। मार्क्स में हमने मान लीजिए इसमें 5 मार्क्स आए, टोटल कितना था ऑफ प्रोजेक्ट रहता सर, एक हो गया। फिर दूसरी एंट्री करने के लिए, अगर दूसरी एंट्री होगा तो फैक्टर वर्ड में ही हमारा दूसरा क्या है, राइट हैंड बोर्ड है ना, डब्लू डब्लू बी मार्क्स माने 4 आया। इस तरह की एंट्री की बात करें तो जैसे हर सब्जेक्ट के लिए आपको दोबारा से एंट्री करना पड़ेगा। हाँ सर, FA1 में 4 एंट्रीज करना पड़ता सर, बुक रिव्यू, वर्कबुक, प्रोजेक्ट बोल के रहता, स्लिप टेस्ट बोल के रहता। सारे नाम को 4 बार लिखना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन हम लोग जब इसके लिए यूज करेंगे तो हम इसके लिए यूजर फॉर्म बना देंगे, यूजर फॉर्म से अपना क्लिक करेंगे ये एंट्री अपने आप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप तो यूजर फॉर्म यूज करेंगे नहीं, तो आपको वही करना पड़ेगा जो यहाँ किया हुआ है। तो इन्होंने जो किया हुआ है इसका मतलब है कि ठीक किया हुआ है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। ओके सर, ये बहुत बड़ा है सर डाटा, इसलिए जरा मुझे बड़ा डाटा है, दिक्कत है ना कि यार मैं जैसे कि इसका एक और पैटर्न है यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म खुल जाएगा, एंट्री एक बच्चे की एंट्री कीजिए, सबमिट कीजिए, यहाँ पे अपने हिसाब से चलाएगा, तो आपको बड़ा डेटा नहीं लगेगा डाटा टाइपिंग करने। लेकिन विथ नॉर्मल हम टाइप करेंगे तो ये डेटा थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही। चलिए इसी को हम उठाते हैं, चलिए इसी चीज को हम उठाते हैं हमसे, ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है सर, समझ गया ना सर आप लोग भी कि हर जगह पे डेटाबेस के पैटर्न को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, समझे? ठीक है सर। किया हुआ है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कर देते हैं रोल नंबर, एडमिशन, रोल नंबर एडमिशन एक ही होता है ना? हाँ सर, वो क्या है सर इसमें उन्होंने, देखो सर एक बार डाटा को आप ओपन कर दीजिए। सर उन्होंने यस लिखे ना सर, यस बोले तो ये उसमें डाटा वैलिडेशन लेके यस नो करे सो है सर, यस बोले तो जी ये बच्चों का जो अभी डाटा है वो अगले शीट में चले जाएगा सर, बोले तो सब्जेक्ट वाइज विद मार्क्स में, क्लास वाइज विद मार्क्स में, समझ गया। वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल इसको सीरियल नंबर चालू करते हैं। ठीक है सर, सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर यहां पे सर नेम, ये दोनों लिखना अलग अलग लिखना जरूरी है कि एक ही नेम कर देंगे? नहीं, एक ही कर दीजिए सर, जरूरी नहीं, मैं होना वो तो मैं कर देता हूँ सर। इसमें फादर नेम करना जरूरी है? फादर नेम कर दीजिए ना सर, आता नहीं तो जान दो सर, मैं कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, एक बार कर रहा हूँ, DOB हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ओके, देन यहाँ पे आगे है आपका जेंडर, क्लास मीडियम, जेंडर की स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गई, हमें भी क्लास लेनी पड़ेगी आपसे। रहने दो सर, स्पेलिंग में क्या है, रहने दो, चलता। इसके बाद क्लास, हिंदी, तेलुगु या हिंदी है ना?
आपका एक ऐड करना है इसमें कास्ट, राइट? राइट सर। ऐड नहीं करना है, ये आपका डेटा कास्ट, कास्ट आपका डेटा हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टैगलो हो गया, बाद यहाँ पे आपकी हाँ तेलुगु क्लास है, तेलुगु का है सर, हिंदी तेलुगु सब दिख रहा है। हाँ। सही है ना, हिंदी हिंदी आपका तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, हाँ सर, इंग्लिश हो गया, मैथ्स, फिजिकल साइंस आता, हाँ, उसके बाद बायो साइंस आता, सोशल आता सर, सोशल आता। आप डेटा एंट्री करेंगे राइट? हाँ सर। तो चलिए कुछ एंट्री हम कर देते हैं, चालीस पचास लोगों की एंट्री डाल देता हूँ ताकि डेटा तैयार हो जाएगा। हाँ, दस बीस जनों का ले लो सर पहले, सब कोई बात नहीं, और भी है क्या? तो इसकी पूरी डेटा ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ ले लो सर, पूरा डेटा ले लें। हमको क्या है सर, उसमें आना है सब्जेक्ट वाइज में, क्लास वाइज में, को करिकुलर में, उसको भेजना है बस। वर्थ में मैं 90 डाल देता हूँ सबको। जेंडर में आपका मेल एंड फीमेल, क्लास का जी डाल दीजिए सर, बीजी बॉय गर्ल। अच्छा बॉय गर्ल होता है, लिखते हैं अभी दो तीन मिनट में ये जूम बंद हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होगा, तो अगेन आप स्टार्ट कर लीजिएगा। क्लास क्लास का डेटा भी यही उठा देता हूँ, क्लास और मीडियम, क्लास एंड मीडियम वैल्यू पेस्ट करेगा। कास्ट जनरल ओबीसी आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ये आपका हो गया कास्ट का डेटा। अब इसमें आप जैसे कि डेटा एंट्री करेंगे तो कुछ वैलिडेशन होना चाहिए, जैसे कि जेंडर, जेंडर में वैलिडेशन होना चाहिए, तो इस पे मैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू क्लास में भी, क्लास में भी होना सर, क्लास 6th टू 10th लेना, सम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देंगे क्या बोलते हैं लिस्ट, और यहाँ देंगे बॉय एंड गर्ल, ठीक है? इनपुट मैसेज में लिख देते हैं स्टूडेंट होगा कि जैसे आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, नहीं होगा, शो नहीं होगा, एक मिनट, हाँ आ गया डेटा वैलिडेशन, ठीक है? इस पर कर्सर जाते बता देगा क्या करना है। क्लास आपका क्या है, नंबर में है, हेलो क्लास नंबर में है ना, एक से लेके, नहीं नहीं एक से नहीं सर, छह से लेके नौ तक लिखो, दस तक लिखो, सिक्स टू टू टेन, सेवन एट नाइन टेन, ठीक है? राइट। और मीडियम, मीडियम तेलुगु लिखिए सर, टी टी और ई, इंग्लिश मीडियम तेलुगु मीडियम, कास्ट, अब आप कास्ट होगा तो आप डेटा वैलिडेशन जोड़ी दोगे ना? हाँ सर। हो गया, उसके बाद बात आती है डेटा की। तो ये डेटा यही होता है, चार पांच छह होता है कि अलग अलग डेटा होता है? बस सर इतना जो होता है, तो अलग थोड़ा होता सर, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अलग मतलब सर, ये सर थोड़ा बात करूँ सर मैं आपसे,
ये जो डेटा बात नहीं बोले, नंबर बोल रहे हैं आपसे हम, जो आप नंबर लिख रहे हैं ना, ये 454। हाँ, ये इसमें डाटा में ये मार्क्स हम दे देते सर, तो ये मार्क्स ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट वाइज को करिकुलर क्लास वाइज वो चला जाएगा। आप उसकी बचत मत कीजिए, अभी आप बात कीजिए डेटा एंट्री की। जैसे अभी आपके पास कॉपियों की कॉपी चेक होकर पूरा लिस्ट आ गया है, अब आपको इसमें डेटा एंट्री। हाँ सर, डेटा एंट्री करते वही लीजिए सर, कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, इसमें फाइनल मार्क्स नहीं होता, जैसे कि 4 आया तो कितना में से 4 आया वो कैसे पता चलेगा? ओ आउट ऑफ 5 4 सर, वो सारे फिक्स है। सर सारे फिक्स है, फिक्स है।